तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि OnePlus 9R में ऑक्सीजन OS का जो है 12 Beta 1 का अपडेट आया है उसे कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि वो अभी बीटा टेस्टिंग में है दोस्तों, इसलिए जो है नॉर्मली उसे आप अपडेट नहीं कर सकते फोन के सेटिंग्स से जाके, तो उसका अपडेट करने का क्या प्रोसेस है, तो इस वीडियो में आप लोगों को इस डिवाइस को अपडेट करके दिखाने वाला हूं जो अभी करेंटली ऑक्सीजन OS 11 में चल रहा है, तो सारा प्रोसेस जो है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को डिवाइस का जो है एंड्रॉइड का वर्जन दिखला देता हूं। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ऑक्सीजन OS जो है 11 है, 11.2.7.7। दोस्तों अपडेट करने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है दोस्तों आप लोग एक बार में जो है इस अपडेट को कर लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। दोस्तों अब रहा बात किसे डाउनलोड कहाँ से करें, इसका जो है OS जो नया आया ऑक्सीजन OS 12, इसके लिए आप लोग करना क्या है, ये कम्युनिटी ऐप को ओपन करना है। आप लोगों के फोन में जो है ये प्रीबिल्ट आता है, मतलब पहले से जो है इसे इंस्टॉल रहता है, तो ये OnePlus की तरफ से आता है कम्युनिटी, इसे आप लोगों को जो है ओपन कर लेना है। अगर पहले से जो है लॉगिन नहीं तो आप लोगों को सिंपली लॉगिन कर लेना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा ऑक्सीजन OS 12 ओपन बीटा 1 फॉर OnePlus 9R, आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है आप लोगों को, और यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा रेडी टू गेट स्टार्टेड ऑन द ओपन बीटा 1, नीचे में मॉडल लिखा हुआ है OnePlus 9R, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि दो लिंक है, आप लोग ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है ओपन बीटा 1 पे। अगर दोस्तों आप लोगों को डाउनलोड जो वो स्टार्ट ना हो तो आप लोग को ट्रिपल डॉट मेनू पे क्लिक करना है, ओपन विथ ब्राउजर कर देना है, उसका थोड़ा सा वेट करना है। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा इसका साइज जो है 3.79 GB का है, मतलब कि आप लोगों को 3.8 GB का लगभग देखने को मिल जाता है ये फाइल जो है मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है ताकि आप लोग का जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे तो कुछ ही सेकंड में ये जो है डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों मेरा जो स्पीड है 44 Mbps देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली में जो है स्टैटिक ऐप लिया था, तो इस कारण से मेरा काफ़ी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। उसका दोस्तों आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर में आ जाना है, स्टोरेज में आ जाना है, इंटरनल में आ जाना है। दोस्तों ये जो फाइल अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया वो डाउनलोड के फोल्डर में होगा, तो आप लोग करना क्या है रूट फोल्डर में इसे मूव कर देना है, मतलब कि किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं डालना है। आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज कि इंटरनल स्टोरेज ओपन करने के बाद जो यहीं पर आप लोग को इस फाइल को पेस्ट कर देना है, मतलब कि मूव कर देना है। मैं आप लोग को दिखला देता हूँ, ये फाइल रहेगा यहाँ पे, उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है, उसका ट्रिपल डॉट मेनू पे क्लिक करना है, और आप लोग को दिख जाएगा नीचे में रीनेम, तो रीनेम करना है, और आप लोग को दोस्तों एकदम लास्ट में ले जाना है। आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे दोस्तों .zip.jar, तो आप लोग करना क्या है .jar को काट देना है। .jar को काटने के बाद जो है दोस्तों ये zip फाइल में ये हो चुका है। तो दोस्तों ये जो है अलग फॉर्मेट में दिया जाता है .jar ला दिया जाता है, आप लोग को बस .jar काट के हटा देना है, ये zip फाइल जो है रेडी हो गया। अब आप लोग को इसे बंद कर देना है, फोन के सेटिंग्स में आ जाना है, वापस से स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग्स, यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है सिस्टम अपडेट में, ऊपर में आप लोगों को दोस्तों सेटिंग्स का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को लोकल अपग्रेड, इसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो है वो फाइल शो करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे साइज जो है 4 GB का बताया जा रहा है, आप लोग करना क्या है इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक रिमाइंडर आएगा पॉपअप करके कि कैंसिल या फिर इंस्टॉल नाउ, तो आप लोग करना क्या सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। और आप लोगों को मैं बैटरी का परसेंटेज दिखला देता हूं दोस्तों, 79% जो है अभी बैटरी है मेरा। आप लोगों को जो दोस्तों ऐसे तो रिकमेंड किया जाता है कि 30% से ऊपर बैटरी रखना है, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 50% जो है इसे चार्ज कर दे, क्योंकि चार्ज होने में दोस्तों ज़्यादा टाइम तो लेता नहीं है। तो मैंने इसे अपडेट में लगा दिया है, और आप लोगों को मैं टाइम दिखला देता हूँ, 9:42 हो रहा है, और देख लेते हैं कितना टाइम लग जाता है इसे अपडेट होने में। तो यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं दोस्तों कि 9:52 हुआ है, और ये रिबूट करने के लिए बताया जा रहा है, मतलब कि 10 मिनट लगेगा इसे इंस्टॉल होने में। उसका रीस्टार्ट कर दे रहा मैं और वेट कर रहा हूँ।
यहाँ पे दोस्तों नीचे में ऑप्टिमाइजिंग एप्स 100% जो है वो शो कर रहा है, मतलब कि ऐप जो है ऑप्टिमाइज हो रहा था, जितने भी ऐप्स जो है इसमें इंस्टॉल थे। थोड़ा सा और वेट कर लेना है जब तक ये जो फोन स्टार्ट ना हो जाए। मैंने पासवर्ड डाल दिया है और देख लेते हैं फर्स्ट टाइम में जो है ये कैसा ऑन हो रहा है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि लुक जो है पूरा पूरी चेंज हो गया है, और देख लेते हैं कि पहले का जो मेरा ऐप्स है वो इंस्टॉल है या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहले का मेरा जितने भी ऐप्स थे वो सारा इंस्टॉल्ड है, और मैं सेटिंग्स में ले चलता हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लुक जो है पूरी तरीके से ही चेंज कर दिया गया है, और मैं आ जाता हूँ अब सेटिंग्स में। सेटिंग्स वगैरह भी जो है दोस्तों वो पूरा पूरी चेंज देखने को मिल रहा है। ये अभी जाके इसका साइज जो है वो बड़ा हुआ है। अबाउट डिवाइस, डिवाइस जो है OnePlus 9R है, और स्टोरेज वगैरह सारा डिटेल्स दिखला रहा है यहाँ पे, और मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली दिख रहा होगा कि एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 12 है, और ये जो है अपडेट हो चुका है, और यहाँ से भी आप लोग जो है एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को फरवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग जो है OnePlus 9R में OxygenOS 12 Beta 1 को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर में और वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके के, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक एट होम।